हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये ब्लॉग है कल रात का, जब मैंने अपने घर में जलवाई थी अंगीठी। मुझे अंगीठी जलानी नहीं आती, पर हाँ बोलकर जरूर जलवा लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने अंगीठी जलाई थी और आज मुझे सनक सवार थी कि मैं अंगीठी या चूल्हे पर ही खाना बनाऊंगी। पता नहीं क्यों मुझे सर्दियों में के दिन में कभी कभी ऐसा जरूर होता है कि जब मैं कोशिश करती हूँ कि अंगीठी या चूल्हे पर खाना बनाऊँ। तो आज मैंने अंगीठी जलवाई थी और अंगीठी पर मैंने अपना 3 साल पुराना बर्तन, मिट्टी का बर्तन निकाल कर रखा हुआ है, जिस पर मैं बनाने वाली हूँ आज की सब्जी। तो डिनर में मैं आज क्या बनाने वाली हूँ आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। लेकिन क्या हादसा हो गया इसी बीच मेरे साथ होते होते बचा, मतलब ये कुछ भी हो सकता था। और बच्चे यहाँ पर इंतज़ार करने लगे हैं कि माँ आज कुछ अंगीठी पे अच्छा बनाने वाली हैं। तो बच्चे भी एकदम अपने फुल मूड में आ गए हैं। और यहाँ पर मैंने तेल में डाला है तड़का, तेल अच्छे से गर्म हो चुका था। तेल में मैंने वाइट प्याज और हरे प्याज दोनों को मिलाकर तड़का डाल दिया है। और अभी यहाँ पर बर्तन में बहुत अच्छे से काम हो रहा है। ये मिट्टी का बर्तन मेरा 3 से 4 साल पुराना है। मैंने इसमें कई बार सब्जियाँ बनाई हैं, कभी चूल्हे पर रखकर और कभी अंगीठी पर रखकर। मुझे अपना ये मिट्टी का बर्तन बहुत प्यारा है, मैं इसे बहुत ही संजो कर रखती हूँ। हर साल बहुत इसी तरह से सर्दियों में ही निकालती हूँ और फिर धुल कर रख देती हूँ। पर अभी जब मैं इसमें तड़का लगा रही थी तो आप देख रहे हैं साइड से इसमें कुछ आग जैसा दिख रहा है। ये आग क्या था मैं अभी भी समझ नहीं पा रही थी और मैं बहुत ही इत्मीनान से बना रही थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। मुझे लगा अंगीठी से ही कहीं कोई कोयला है जो फट रहा है या फिर कोई कागज़ है नीचे से जो जल रहा है। मैं बिल्कुल कन्फ्यूज़ हो रही थी कि क्या हो रहा है। फिर मैंने सोचा कि चलो चेक करते हैं। जब मैंने उठकर चेक किया तो देखा कि जो मेरा बर्तन था वो इस तरीके से आप देख रहे हैं जैसा, वो 2 टुकड़े में बट चुका था। तो वो जो अंगीठी की लौ तेज हो रही थी, वो बहुत तेज भी हो सकती थी, वो तो समय रहते मैंने पकड़ लिया और इसे 2 बार में उठाकर बर्तन को, पहले तो एक बार चिमटे से उठाया, फिर दूसरे पार्ट को चिमटे से उठाया और जो तड़का था प्याज वाला वो मैंने पलट दिया अपनी दूसरी कढ़ाई में, नॉर्मल वाली कढ़ाई में। तो अभी मैं अब कढ़ाई में सब्जी बनाने लगी थी। बर्तन इस तरह से भी फट सकते हैं, ये मैंने पहली बार देखा। मुझे लगा था कि मिट्टी के भी बर्तन होते हैं जो सालों साल चल जाते हैं। मैं उसे पिछले 3 सालों से इस्तेमाल कर रही थी, पर मुझे नहीं पता था कि ये इतना इस तरीके से फटेगा और एक हादसा होते होते बचेगा। यहाँ पर हमारी सब्जी में तड़का लग चुका था, आपने देखा मैंने डाले बेसिक मसाले, नमक, थोड़ा सा पानी, उनको भूना। इसके बाद से मैं डाल रही हूँ बारीक कटे हुए टमाटर और हरे प्याज की पत्तियाँ। हरे प्याज की पत्तियाँ हम सर्दियों में खूब इस्तेमाल करते हैं, हर सब्जी में डालते हैं। अब जब टमाटर भुन गया है तो मैंने डाले हैं थोड़े हरे मटर के दाने और इनको थोड़ा सा सॉफ्ट कर लूँगी। इसी के साथ ही साथ थोड़ी सी हरी धनिया की पत्तियाँ मैं डालती हूँ अक्सर मसाला भूनते समय, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मटर को थोड़ा सा पका लेंगे, मटर जब पक जाए तब इसमें डालें ग्रेवी के लिए पानी। आज जो सब्जी मैं बना रही हूँ तो वो थोड़ा सा अलग है, कभी मैं अपने वीडियोस में दिखाती नहीं, पर मैं आज बना रही थी एग करी। जी हाँ, एग करी आज हम बना रहे थे। और जो हमारे घर में जो एग है, नॉनवेज वगैरह है, वो हम लोग कभी किचन में नहीं बनाते, उसके लिए हमारे पास अलग से किचन है। तो हॉल में ही मैं अंगीठी पे बैठ कर बना रही थी। अंडों को मैं थोड़ा थोड़ा सा प्रिक कर देती हूँ। यहाँ पर मैं बिना फ्राई करे ही अंडों को बना रही थी, इसे मैंने डाल दिया है ग्रेवी में। अंडे जब हम फ्राई करके बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा ऑयल ले लेते हैं, इसलिए मैं हमेशा मोस्टली अंडों को बॉयल करके और फिर डायरेक्ट ग्रेवी में डालकर ही सब्जी बनाती हूँ। तो घर में सबको बहुत पसंद आती है। अब अंडों को 5 मिनट पका लूँगी तो हमारी एग करी बनकर तैयार हो जाएगी। तो मैं एक बार ग्रेवी को चेक कर रही हूँ और अब हमारी एग करी बनकर तैयार है। और जो एग करी इस तरह से अंगीठी पर या फिर चूल्हे पर बनाते हैं या फिर चूल्हे पर कोई भी खाना बनाते हैं, वो आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, उसमें एक सोंधा सा स्वाद आ जाता है। तो इस तरह से सर्दियों के दिन में मैं ये काम बहुत करती हूँ। हफ्ते में 4 दिन तो मैं चूल्हे पर खाना ही बनाती हूँ शाम के टाइम, मुझे बहुत पसंद है। अंगीठी मैं घर के अंदर जला लेती हूँ और चूल्हे में घर के बाहर जलाती हूँ। और अभी एक्स्ट्रा कोयले में लगा रही थी जिससे मैं इस पर रोटियाँ बना सकूँ, क्योंकि रोटी भी मैं अंगीठी पर ही बनाने वाली थी। ये हमारी एग करी बनकर तैयार है। इसमें थोड़ी सी और धनिया पत्ती डाल देती हूँ जिससे ये और टेस्टी हो जाए। और सर्दियों के दिन में इस तरह से आप आलू मटर की सब्जी भी बना सकते हैं। एग की जगह आप आलू का इस्तेमाल कर लीजिए तो आलू मटर की सब्जी तैयार हो जाएगी। सब्जी को मैंने प्लेट में सर्व कर दिया है। यहाँ पर कोयले ने ही बहुत अच्छी आग पकड़ ली है। रोटी को आधा सीख सीख कर मैंने किचन से मंगवा लिया था। मेरी ननद थी, वो रोटी किचन में आधा सेक कर मुझे देती जा रही थी। यहाँ पर अंगीठी पर फुलाकर मैं यहीं से बैठे बैठे सबको खाना सर्व कर दूंगी। तो इस तरीके से हमारा बहुत ही अच्छा सा डिनर तैयार हो गया है। पर डिनर बनाते समय जो छोटा सा हादसा हुआ, उसने मुझे अंदर से थोड़ा सा दुखी कर दिया कि मेरा बहुत पुराना मिट्टी का बर्तन टूट गया, तो अब मुझे नया बर्तन लेकर आना पड़ेगा और उसे नए तरीके से वापस सीजनिंग करके तैयार करना पड़ेगा। तो होप करती हूँ छोटा सा ब्लॉग है आप लोग को पसंद आया होगा। मिलते हैं मेरे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय। Thank you.